मेरा नाम राफ़े आलम है और आज सुबह हम मौसमी तब्दीली का एक पैनल आपके लिए पेश कर रहे हैं एक्चुअली इस कॉन्फ्रेंस में आपने शायद देखा हो कि मौसमी तब्दीली की काफ़ी बातें हो रही हैं और ये साल कुछ ऐसा पाकिस्तान के लिए मौसमी तब्दीली का ही गुजरा है चंद महीने पहले जो बारिशें हमने देखी हैं सिंध और बलूचिस्तान में जिसकी तबाही आज तक पानी अभी भी खड़ा हुआ है हम नज़र कर रहे हैं देख रहे हैं करोड़ों लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो अपने घर से महरूम हैं साथ साथ उससे दो तीन महीने पहले मार्च अप्रैल के अंदर एक जबरदस्त हीट वेव गुजरा था पाकिस्तान के ऊपर से और उसका नुकसान हमने पूरी तरह कैलकुलेट नहीं किया जब तक कि ये फ्लड्स आ गए और आज सुबह अगर आप बाहर देखें तो स्मॉग सीज़न शुरू हो गया है तो स्मॉग भी एक किस्म का मौसमी तब्दीली का सबूत है ये हीट वेव्स भी सबूत थे ये फ्लड्स भी तो अब देखें मौसमी तब्दीली का हाल पाकिस्तान के ऊपर से गुज़र रहा है और आज सुबह हमारे पास एक थोड़ा सा मौका है इस मौजू को समझने के लिए मौसमी तब्दीली है क्या कहाँ से आ रही है और पाकिस्तान को किस तरह असर पड़ रहा है हमको इतना पता है कि मौसमी तब्दीली ग्रीन हाउस गैसेस से पैदा होती है ग्रीन हाउस गैस जो है वो सूरज की गर्मी को फ़िजा के अंदर फंसा के टेम्परेचर बढ़ाता है और टेम्परेचर बढ़ने से जो मौसम के सिलसिले हैं वो तब्दील हो रहे हैं मौसम तब्दील हो रहा है क्लाइमेट चेंज इज़ अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रेसिडेंट चेंजेस इन नॉर्मल वेदर पैटर्न्स जिन इलाकों में बारिश नहीं था वहाँ बारिश होगी जहाँ बारिश होती थी नहीं होगी जहाँ गर्मी थी वहाँ बर्फ पड़ रही है एंड द सिचुएशन इज़ बिकमिंग अलार्मिंग ये एक बैनवा मसला है और साथ साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं जो हम ग्लोबल साउथ लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उन पे असर पर असर ज़्यादा पड़ रहा है तो आज मौसमी तब्दीली को समझने के लिए और पाकिस्तान में मौसमी तब्दीली के जो असरा हैं उनको समझने के लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट पैनल मौजूद है मैं इन्वाइट करना चाहूँगा सोहेल नकवी को सोहेल आप आ जाएँ ये डायरेक्टर फ्रेश वाटर हैं डब्ल्यू डब्ल्यू एफ पाकिस्तान विद ग्रेट एक्सपीरियंस इन क्लाइमेट चेंज वो वेरी लकी टू हैव आफिया सलाम वन ऑफ़ पाकिस्तान फाइनेस्ट क्लाइमेट जर्नलिस्ट एंड जर्नलिस्ट जनरली जो कि हमारे मौसमी तब्दीली काउंसिल के मेम्बर भी हैं एंड सारा हयात जो कि एक क्लाइमेट लॉयर है क्लाइमेट चेंज में फैकल्टी एंड फाउंडर ऑफ क्लाइमेट एक्शन पी के जी बिस्मिल रहीकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन ऑनरेबल प्रंड पीपल थैंक यू वेरी मच रॉफे ये बड़ा इंटरेस्टिंग और आज कल काफ़ी हॉट इशू है ग्लोबल लेवल पे एज वेल एज इन पाकिस्तान के वाई पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज इन लिस्ट ऑफ द मोस्ट यू नो इम्पेक्टेड कंट्रीज देर है कि जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है हो रहा है बट समाइम्स पीपल से कंस्पेरेसी थीरी बन गई है बट अ कंट्री लाइक पाकिस्तान वई आर देंस कि ये इट्स जस्ट स्टार्ट सो राइट नाउ द सिचुएशन इज नाओ और नैवर

about the climate change, mashaAllah the experts are here, so I'll be just flipping a couple of slides just to give the, the concept what climate change is and how it is affecting us. Next slide please. Okay I just extracted some of the slides actually, uh, in fact yesterday there was another session in Pakistan Engineering Congress, the cream of the engineers. So I was one of the presenters, so I extracted one of the expert's slides. Uh, There's a hypothesis, Gaia hypothesis, which tells us that this earth is also a living organism. That concept was given back in 1979 by uh, Professor James. Uh, and he actually mentioned like, that dunya these are, for example, if the water is here, this is actually the, the blood of this earth. Uh, next slide, please. Next. I'm sorry, I don't have the slider, so I have to request them. So, this is, this is actually the concept he mentioned back in 1979, where he mentioned earth's blood the, the areas the lungs the the living human beings and the all the living planets they are actually the sensors just like Ham this is just like that so that was the concept which was given by the professor so there was a debate in the past uh, do we need to consider Earth as a living organism or not? A couple of years back in India, also, there was a, uh, there was a discussion was the government India declared rivers as a human being or a living thing as well. So, there was also a discussion, debates, uh, controversies, but uh, uh, some evidence was also there. Next, please. Uh, Consider it either it's the earth is a living thing or not, but how we are affecting on that. Climate change is one thing. Uh, th there's a difference between the climate change and weather change. Both in terminologies and we usually confuse that. So uh, I just wanted to give one liner, uh, the definitions which I learned from the experts as well. Uh, climate weather is actually for a confined area. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे राफे ने कहा बाहर निकलें अभी आपको स्मोगी सीज़न मिलेगा ही समरियाज़ uh, में विंडी है सो दिस इज़ एक्चुअली द वैदर चेंज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड अ लिमिटेड एरिया क्लाइमेट इज़ फॉर द फॉर द सेवरल यर्स विच इज़ एक्चुअली इसके ऊपर फिर uh, जो है डिफरेंट टर्मिनोलॉजिज़ uh, हैं जो कि यूज़ की गए हैं उसको फर्दर बाइफरकेट किया गया कि लॉन्गर पीरियड के लिए और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उसको कैलकुलेट करें बिकॉज यू माइट हैव हर्ड जी 1.5 डिग्री सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर वी हैव टू मेंटेन। सो दिस इज एक्चुअली द क्लाइमेट एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ नॉट ओनली फॉर एनी स्पेसिफिक एरिया सो दिस इज द यू नो मेजर डिफरेंस क्लाइमेट इज फॉर द एट द ब्रॉडर लेवल वेदर इज एट द स्मॉलर लेवल इफ सी थ्रेट्स टू आवर अर्थ सो यू कैन सी देर आर यू नो To, uh, one is by the natural processes, the other is by the different interventions. Uh, next slide, please. <clears throat> so, global warming is another terminology which is also used by the human interventions, by the industrialization, pre industrialization to the industrialization, our interventions are actually intervening and they are contributing to to rise the temperature of the earth <clears throat> there's a difference uh, between uh, different theories or if you just google different maps you can see yeah, uh, very fancy different colors and just you can see how the temperature is different by pre-industrialization from 1880s to 2020 how the temperature has राइज और किस तरह से ये डिफरेंस आया सम से से 7.8 डिग्री फॉरन हीट और 4 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जिसकी वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग दीज डिफरेंट चेंजेस एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट कीजिएगा सो दिस इज समिंग You can see, and uh, there is also a, a, a modelling which was run by the experts in Pakistan. They mentioned that by 2050, if this is not what will be the situation of Pakistan? And similarly, at the global level, after next 20 years, if we don't maintain the temperature, because in COP <coughs> 2015, COP 21, Paris Agreement, in which 2 degrees Celsius we need to maintain, but the developing countries, they actually raised concerns we can so they said okay we we need to maintain at least 1.5 degrees celsius because we need to break the, the routine or the business as usual which is right now due to the industrialization due to the emissions we need to reduce that so that was something which was the, the debate next slide please <clears throat> you can see the uh, the surface temperature starting from the uh, from the pre industrial area to 2020, which i mentioned, like how, you know, the fluctuations are there. the natural drivers are there, which are, uh, i mentioned earlier, the, they are also one of the contributors into the climate, but their contribution is quite lesser. but if we talk about the, you know, the our human interventions, so they are one of the major contributors into the, our surface, increasing the surface temperature. next, please. <clears throat> okay, if we talk about the, the human interventions, why? The climate is uh, the climate or our Earth's temperature is increasing. One is the global warming. In the global warming, if we talk, uh, GHG emissions, greenhouse gases emissions are one of the major emitters. So this is something where right now the debate is in the world, GHG emissions reduce Carbon emission, carbon dioxide, NOx, SOx, all these because they actually contribute and that's why the temperature is increased, because uh, at a certain level in the atmosphere, they are actually contributing. And due to which you might have heard sometimes the, the acid rains, which is the acid rain. One of the reasonsare industrialization these gases are in the air and they come back to the system. On the, on the surface of the Earth. So, this is something on which different debate is there, and you can see how you know, they have contributed and uh, increased the temperature of the Earth. Next, please. What, what is the raw material which is the major contributor? Because this is something another debate. Uh, in our discussion, we'll also be discussing coal, other natural resources, and the alternatives how they are contributing to increase the temperature and to increase the emission on this Earth next please. <clears throat> okay, now the case of pakistan because this is the, at the broader level and why pakistan is affected by the climate change. though our contribution is less than 1% of the global emissions in the ghg and carbon emissions, but we are one of the most vulnerable countries. Like, since two, uh, 2000, and फिफ्टीन ऑनवर्ड्स हम, हम जो जर्मन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है जर्मन वॉच ने जो uh, दिया वी आर इन द लिस्ट ऑफ द टॉप टेन कंट्रीजेज लाइक पाँच साल तक तो हम पाँचवें नंबर पे थे एंड स्टिल वी आर स्टैंडिंग एट द सेम पोजिशन अनफॉर्चुनेटली सो दैट्स वन ऑफ द रीजन इफ देर इज अ स्ल चेंज इन द टेम्परेचर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री और इन द नेबर कंट्री बिकॉज आई मैंशन climate is not only just focused at pakistan the neighboring countries emission also affects because we are quite connected uh, with the other countries so that's why it really hits that uh, a recent example is the the monsoon right now because it starts from the bay of the bengal or usually uh, it hits towards the, the kashmir is the corridor from there it enters and goes down but it, it never happens in balochistan monsoon has very less impact but this time we have seen in balochistan it was a high, heavy rainfall south ka jo patch tha because there are two patches north and south most of the time in the monsoon north patch is quite dominant south wala jo hai wo itna active nahi but this time the south was also active so that's why balochistan and sindh were affected <coughs> next please next फ्लड स्टोरी इन पाकिस्तान इज़ नॉट न्यू वी हैव सीन दैट देर वॉज अ टाइम वन इट वॉज सेट कि जी अगर सैलाब आ जाए तो वहाँ की जो ज़मीन है अगले दस साल के लिए वो फर्टाइल हो जाती है रीजन वो सैडीमेंट्स को साथ लेके आते हैं सैडीमेंट सॉयल उसकी फर्टिलिटी न्यूट्रेंट्स मिलते हैं जिसकी वजह से वो फलरिश होती है एंड वी गेट द बेटर क्रॉप बट अनफॉर्चुनेटली फ्राम a couple of the decades the intensity of the flood is quite high so this is the reason a little change in temperature in pakistan directly hit because why hamare paas jin countries ke natural resources are more the other, agar developing countries there are challenges we do have fresh water towers hamare himalaya region like three series khk Fresh glaciers. So when the temperature rises, it directly hits, and you know the snow melt is there. Drop in temperature also causes the heavy rainfall. So you can see, uh, nineteen seventy-six may flood, In uh, ninety-two, two thousand ten, it was considered the super flood. history, a ten billion dollar का of the Pakistan. But right now we experienced more than that. Figures are thirty to forty billion dollar. Damages. Actually, uh, being a water engineer, uh, we used to say that there is a hydrological cycle. this hydrological cycle mein floods. Isi se but in the past the spam was fifty to thirty years. Right now it it to the 10 years, 10 to 12 years. 2010 may flood hai, or those are bytes. And and we are expecting in the future, unfortunately, because this hydro, uh, hydrological cycle is actually disturbed. And climate change uh, for a country like Pakistan means water change. Next, please. <clears throat> so, a few stats. I will not go into the detail. Uh, the initial assessment was 10 billion plus, but right now the government has given some figures 30 plus. Next, please. You can see the, the extent. I have compared the 2010 and 2022 floods. What is the difference? Next slide, please. So you can see, in a in a month's time, how much damages were there. Like, if you see on the on the southern part of the country, and within a, within three weeks' time, how the water was moved on. One of the reasons was the hill torrents, which is uh, because the hill torrents, yeah, rothko hi bolte I guess, from the from the. Uh, माउंटेनियस रीजन लाइक द डी जी खान डी आई खान कोह सलेमान वाली साइड पे दे एक्चुअली डोंट गिव टाइम टू डिसप्लेस दम्यूनिटीज और हमारे पाकिस्तान में वन ऑफ द मेजर गवर्नेंस चैलेंज इज़ द इनक्रोचमेंट्स अलॉन्ग द फ्लड प्लेन्स के दरिया के अंदर लोगों ने घर बना लिए हैं अनफॉर्चुनेटली uh, आपको याद होगा दो साल पहले इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी जी वहाँ पे हो गया एंड मेंशन द कि बेसिकली दैट वाज अ पाथ ऑफ नाला जो कि काफी सालों पहले वहाँ से गुजरता था बट ड्यू टू ह्यूमन सेटलमेंट्स छोटी सी उन्होंने एक कलवर्ट में कन्वर्ट कर दिया सो दैट वॉज वन ऑफ द रीजन क्योंकि फ्लड या वाटर जो है दे डोंट नो कि यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट है या नहीं है बिकॉज दिस इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इट कम्स बैक और वो अपने उसी पाथवे पे आता है ऑल दो इट मूव्स टाइम टू टाइम बट अगेन हंड्रेड ईयर्स साइकिल एंड नाउ इट इज शिंकिंग टू द फिफ्टी ईयर साइकिल इट कम्स अगेन एंड इट हैपन इन इस्लामाबाद दैट दैट्स अ लाइव एग्जाम्पल एंड सेम वाज द केस कि अभी लोग कह रहे थे कि जो मूनसून है ये नॉर्दर्न साइड पर ज्यादा होती है बट इट हैपेंड साउथ साइड नेक्स्ट लाइक सो You can see the difference of the 2010. Because 2010, may usi say up north wali side pe water came in, and uh, the devastation was there. But right now, the more damages were in, in, in Sindh and Balochistan due to the uh, the communities, the settlements, and there wasn't any storage mechanism. So that's why hill torrents actually damaged those areas, and the communities were underwater. Next, please. Next, Rafi, please tell me how much time I do have. Two minutes. Okay. So I'll be just quickly uh, mentioning about the uh, the governance issues because this is something which, uh, due to which you know, we face a lot of damages, uh, local level, provincial level, and the the federal level. Uh, we really need to to have a strong coordination because this is the gap which I mentioned uh, yesterday as well. Although we do have several departments which are working on the water but the uh, water has been a quite complex subject so the coordination is one of the major challenge the other is the early warning system or we need to strengthen that because we need to focus or we need to customize that at the district level because this is something where you know uh, we need to focus plus and next please the data collection has been an issue uh, this is something one of my professor from australia he came in one of the university and the, uh, he actually mentioned me uh, he discussed it after 2010 uh, flood uh, there was a discussion like the issues and he mentioned like there are two or three government departments they mentioned the, the data and the data was not matching with each other so this is something we really need to share the data. One of the reason was, how they need to share the data with each other because this is something where we are not sharing the data. We we think like we are the owners, so that's why you know sometimes the uh, the holistic planning is actually affected. So we really need to promote that and also focus on the uh, on the adaptation not only the mitigation like all the time we come up with a reactive approach event now we need to come up with, with that strategy but this is this is not the case we really need to think what should be our approach how we need to tackle and handle that so this is something uh, where we, we can work together by the academia, uh, all the research institutions, they can come forward and uh, we can move forward with with that. WWF uh, Pakistan, uh, last month actually in collaboration with the, all the big uh, water champs here, like different organizations from the government and the private sector, IWMI, PCRWR, Ministry of Water Resources, uh, actually we drafted a climate crisis charter where we have mentioned four or five bullet points, action points, where we are taking that forward at the global level, like at the international level. Uh, our CEO is going to present in COP27 as well. Plus, we are also taking on board the government what the immediate actions should be taken in Pakistan in order to avoid the, the future thrusts like that. So I'll just stop here. Thank you very much for listening to me. And if you have any question, we can discuss. Thank you. थैंक यू सोहेल तो क्लाइमेट चेंज इज caused by ग्रीन हाउस greenhouse ग्रीन हाउस गैस वो चीज़ है जो हम ज़मीन से निकाल के जलाते हैं अपने ट्रांसपोर्ट या बिजली के इस्तेमाल के लिए चाहे वो लकड़ी हो कोयला हो तेल हो गैस हो उसको जमीन से निकाल के जब आप जलाएंगे उससे कोई ग्रीन हाउस गैस पैदा होगी ग्रीन हाउस गैस से टेम्परेचर दुनिया का बढ़ रहा है और सनती इनकलाब के मुकाबले में आज 2022 -20 में हम तकरीब एक, एक डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म सिर्फ एक इशारिया एक और एक डिग्री सेंटीग्रेड पे इस साल सिंध में 800 फीसद ज्यादा बारिश पड़ी है और हमें बताया ये जा रहा है बैन अल्कामी सतह पर ग्रीन हाउस गैसेज बाकी ममालिक निकाल रहे हैं पाकिस्तान का हिस्सा बहुत छोटा है कि उसकी वजह से अगली दिहाई में इसी दिहाई के अंदर यानी कि बीस तीस तक यह टेम्परेचर वन पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टाप जाएगा और बीस तीस बीस पचास बीस साठ के दरमियान शायद दो डिग्री टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए तो ये इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ एक्सपेक्टेशन दिस इज गोइंग टू हैपन सो फ्लड्स आर गोइंग टू हैपन मोर एंड आई टू पॉइंट आपने बात बिल्कुल ठीक किए मगर मैं सवेरिटी परॉन्ट टू पॉइंट आउट इट्स नॉट जस्ट अ फ्लड इश्यू अगले साल हीट वेवस भी होंगे ठीक है जी और यह एयर पोल्यूशन बस बिगड़ती जाएगी जब तक कि हम ग्रीन हाउस गैसेज कम ना करें इट्स वेरी सिंपल it's only going to get worse this is the coolest summer of the rest of your lives mm -hmm. in these circumstances i want to now come to afia because pesh sal isal afia ne pure indus ki from the top to the very bottom she has seen this country through this river which is our civilization the indus basin that we are responsible for afia you've traveled the length and breadth of this river you've seen the beauty that it has to offer I want you to explain to this audience what this river represents and how much it is under threat because of this climate crisis. Thank you very much for having me here. And, Rafe, uh, just one little correction. My team, the team I was with, they have traveled the length and breadth. I joined them later. I joined them from beyond Tarbela. Uh, I'm not a white water rafter. So, I didn't want to compromise my team by being with them on those, uh, you know, in Gilgit Baltistan, because then they would probably have to fish me out of the water, and, you know, that would have spoiled things for them. So, I joined them later when we were on the motorized uh, rafts. But you see, we are a land drained by these large rivers. And Dr. Nakvi just mentioned about India saying that consider the rivers as living beings. अच्छा इंडिया में तो ये तहरीक काफ़ी दिनों से चल रही थी लेकिन जो एक बहुत ही हमारे इस वक्त आ, हालिया दुनिया में एक लीडर हैं जो कि यू नो शी वॉक्स टॉक जिस आर्डन और न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी अपने एक दरिया को एक लिविंग बीइंग की हैसियत लीगली दे दी है और यही चीज़ जो है ये इंडिया में भी कही जा रही है और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो इन्वायरमेंटल फर्टर्निटी है वो ये मांग रही है इस पर डिमांड कर रही है इसकी बहुत सी वजह हैं मैंने जब उस पूरे इस दरिया का सफ़र किया तो एक तो हमने ये देखा कि जब हमारी टीम ने शुरू किया था और उन्होंने शुरू किया था कारगिल से थोड़ा नीचे शुरू वहाँ से होना था लेकिन आपको पता है कि सेंसिटिविटी है उस इलाके की तो उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग वहाँ से नहीं थोड़ा सा नीचे चले जाएँ तो दस किलोमीटर नीचे से शुरू किया वो माइनस थ्री डिग्रीज टेम्परेचर्स थे और जैसे जैसे हम नीचे आते चले गए जब हम सिंध में पहुँचे तो हम 52-53 डिग्री टेम्परेचर में आ चुके हुए थे विद इन अ स्पैन ऑफ 46 डेज क्योंकि जब खारों चांद पर हम पहुँचे जहाँ पर दरियाए सिंध सपोजली दर, uh, समंदर में गिरता है जो कि कहीं नज़र नहीं आता उस वक्त तो तब वहाँ पर टेम्परेचर जो हैं वो इतने हाई थे दैट मीन्स के वी हैड नो स्प्रिंग लास्ट ईयर दिस ईयर वट एम आई सेंग नॉट इवन लास्ट ईयर दिस ईयर बिकॉज वी वेंट इन फेबर एंड वी एंड द जर्नी इन मे अर्ली मे सो स्प्रिंग एक पूरा सीज़न इस मुल्क से ख़त्म हो गया ग़ायब हो गया और इसके जाहिर है बहुत से इम्प्लिकेशन्स हैं फिर जैसे जैसे हम नीचे आते चले गए वो एक इंटेंस हीट वेव थी उस वक्त जिसने हमारे पूरे मुल्क को जकड़ा हुआ था और कहने को हीट वेव हम कहते हैं क्या गर्मी ज़्यादा है टम्परेचर ज़्यादा है लेकिन उसके बहुत से असरात हैं और उसमें हमारी पैदावार की कमी है हमारी जो आ, उसी वक्त वीट की शॉर्टेज क्योंकि वीट की पैदावार हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हुई ईल्ड कॉम्प्रोमाइज़ होती है पानी की फराहमी आपको पता है ये एक बड़ा कंटेंशस इशू है यहाँ लाहौर पे बैठ के और मैं सिंध से आके अगर बात करूँ तो वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में ली जाएगी बट इट इज़ समथिंग दैट आई हैव टू से क्योंकि हमने ट्रैवल किया तो हमें पता चला कि हम जब रुझान से नीचे जब गए चारचाण से नीचे तक गए तो उसके बाद अक्सर जगहों पर वो राफ्ट को खींचना पड़ता था रेत ही रेत थी और आपके घोटकी से आगे फिर पानी नहीं था सखर में दस किलोमीटर तक हमारा राफ्ट एक लेके गए हम दो राफ्ट पे थे एक राफ्ट को एक्सपेरिमेंटली लेकर गए और दस किलोमीटर के बाद वापस आना पड़ गया तो पानी नहीं है कि कहाँ जाएँ और कोटरी के बाद लग रहा था कि हम दुबई में खड़े में जैसे आपको जहाँ पे आओ इसलिए कि वो आपको सारे जानवर पूरा दरियाए सिंध का बेड क्रॉस करते हुए नजर आ रहे थे लोग अपनी मोटरसाइकिलों पे जा रहे थे जीपों में जा रहे थे और ये वो माइटी इंडस जिसके बारे में हम सारी उम्र सुनते पढ़ते आए वो कहाँ गया वो कहीं नहीं है वो वो वक्त था क्योंकि मुझे इन्होंने अलग किया था उससे आपने उस स्पेशली वो जो डिफ़िकल्ट पोर्शन था उससे उन्होंने कहा था कि आप हमें सखर में ज्वाइन कीजिएगा तो इत्फाक़ से ईद का दिन था मुझे ना इस्लामाबाद से कोई फ़्लाइट मिली ना ट्रेन मिली ना बस मिली कुछ नहीं मिला तो आई फ्लू टू तो कराची एंड देन आई ट्रैवल्ड अप टू सखर ऑन ईद डे और वो वक्त था जब सिंध की जो फसल थी उससे पहले वाली वो पूरी की पूरी तैयार होकर हार्वेस्ट हो के स्टोर हो चुकी थी वो सब आपके वहाँ पे वो जो ग्रैनरीज़ हैं वो फुल थी सारी ज़मीन तैयार हो चुकी हुई थी अगली फसल के लिए बट दे वज़ नो वाटर क्योंकि वाटर उस वक्त स्टोर किया जा रहा था हालांकि वो रिवर फ्लोज थे अभी स्टोरेज के लिए आपकी बारिश होनी थी आइस मेल्ट होना था ग्लेशियल मेल्ट होना था उसके बावजूद पानी नीचे नहीं आने दिया गया कि हम भर लें सो so, एक तो ये ये एक चीज़ है जिसको रियलाइज़ नहीं किया जा रहा कि जो राफे हीट वेव की बात कर रहे थे कि दिस इज़ विच एवर समर यू आर लिविंग इन दिस समर इज़ योर कूलेस्ट समर दैट यू विल एक्सपीरियंस क्योंकि एक एक महीना अर्ली आपका वो पीक समर दो साल पहले नवाबशाह में 50 डिग्री था इस अप्रैल में इस साल मार्च में हमने 50 डिग्री एंड अबव एक्सपीरियंस किए हैं जबाबाद में किया है और आपकी जो मेडिकल साइंस क्योंकि ज़ाहिर है ये एक सब्जेक्ट नहीं है ये ना सिर्फ ये वाटर का सब्जेक्ट है ना हाइड्रोलॉजी का सब्जेक्ट है क्लाइमेट चेंज कोई एक चीज़ नहीं है तो जो मेडिकल फटर्निटी है उसने बाकायदा रिसर्च की है ऑन अ फास्ट ट्रैक और उन्होंने कहा है कि इट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन इंड्योरेंस फॉर यू टू बी एबल टू फंक्शन ऑन टेम्परेचर्स अबाउ फिफ्टी डिग्रीज ये नहीं है कि एक दिन फिफ्टी डिग्री है तो आप अंदर बैठ गए ठंड या तो ठंडे कमरों में बैठ गए या दरख्त के नीचे बैठ गए जो नहीं ठंडे कमरे अफोर्ड कर सकते

सो so, इसमें बहुत से जो थ्रेट्स हैं जैसे डॉक्टर साहब ने एग्रीकल्चर का भी कहा एग्रीकल्चर के साथ आपका लाइवलीहुड का थ्रेट आता है ये सब चीज़ें आती हैं तो जब हम दरिया में से सफ़र किया हमने जब हम सड़क के ज़रिए सफ़र करते हैं तो कई चीज़ें उस तरह से आपको वो नज़र नहीं आती आया नहीं होती हैं कि क्या हो रहा है दरिया के इर्द गिर्द और आपने जो इनक्रोचमेंट का जिक्र किया ये एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो रिवर बेड के अंदर रहते हैं मैं ना रुझान वालों की ना डीआई खान वालों की बात करती हूँ जो रोत कोई में बैठे हुए हैं या सिंध के रिवराइन एरियाज़ में बैठे हुए हैं हमारे साथ मसला ये है कि हम ना साइंस की मानते हैं ना हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं 2010 में जब दरिया में फ़्लड आया था बाय द वे 2022 का फ्लड दरिया का फ्लड नहीं है इस दफ़ा रिवर इंडस में कोई फ्लड नहीं आया मैक्सिमम जो डिस्चार्ज था वो छः लाख क्यूसिक था विच इज़ नॉट अलाट सो वो आराम से गुजर गया पानी ये तो पानी कहीं और से आया है और बारिश का पानी था ये ये दरिया का पानी नहीं था तो उसमें हमने वही मनाजर देखे अगर आप डेट उसमें से हटा दें तो सवात में जो हमने 2010 में देखे थे वो हमने 2022 में देखे तो हम क्या क्लाइमेट चेंज को हम कितना दोष दें क्लाइमेट चेंज का करंट फ्लड के सिनारी में रोल क्या था जैसे नक साहब ने बताया एक्स्ट्रा ऑर्डनर ऑर्डनरी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेन एंड लोकेशन ऑफ वेयर इट फेल जहाँ पे पहले नहीं होता था हमारा बलूचिस्तान मानसून जोन से बाहर है हमारे पूरा साउथ पंजाब जो है वो एक बहुत ही वीकेंड मानसून को रिसीव करता था जो साउथ से आता था इस दफ़ा चूंकि जैसे बताया दो सिस्टम से दोनों के दोनों बहुत एक्टिव थे लेकिन हीट की एक ये भी वजह है देखिए जो स्कूल में बेसिक जनरल साइंस में हमने सातवीं आठवीं में पढ़ाया जाता है वाटर साइकिल वो यही है ना कि वो जमीन में ज़मीन से हीट की वजह से बुखार बनते हैं पानी के और वो ऊपर जाते हैं द मोर हीट देर इज़ ऑन दी अर्थ द मोर यू नो वाटर पेपर इज़ बींग अप और वो ज़ाहिर गिरेगा नीचे हम ना सिर्फ ये कि लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं हमारे मुल्क में हमारे पास लार्ज वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी हैं सो देर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर वे पर गोइंग अप इन टू द हमें ये चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी वाटर बॉडीज़ को डिमांड तो कर रहे हैं लेकिन उसका खमियाजा फिर हम इस तरह से भुगतेंगे और सबसे जो एक uh, मुश्किल एलिमेंट है क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो ये कि उसको वो अनप्रडिक्टिबिलिटी है हम दरिया के उसके सैलाब की तैयारी करते हैं मानसून के हवाले से प्री नोम मानसून भी हम पिछले पाँच साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिससे हमारी एग्रीकल्चर को नुकसान हो रहा है उसके हमने कोई अभी तक उसका तदारुक नहीं किया हमने क्रॉपिंग साइकिल नहीं चेंज किया उसी वक्त पे अभी भी बो रहे हैं उसी वक्त पे अभी पा काटने के लिए खड़े होते हैं जबकि वो खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं बट द होल पॉइंट इज़ यू नो लुकिंग एट दिस एंटायर कंट्री फ्रॉम द रिवर वी को टेल देर आर सो मेनी थिंग्स वी आर डूइंग रॉन्ग वी आर किलिंग आर लिविंग वाटर बॉडी और उसकी वजह से अब पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बड़ा एम्बिशस प्रोग्राम लॉन्च किया है लिविंग इंडस के नाम से जिसमें इसको होलिस्टिकली देखेंगे कि किस तरह से इंडस को बचाया जाए क्योंकि इंडस सिर्फ एक दरिया का नाम नहीं है इंडस हैज बिन द गिवर ऑफ और नर्चरर ऑफ़ सिविलाइजेशन जो दुनिया में सब एक अर्बन सिविलाइजेशन की जो मिसाल मिलती है वो आपको हमारे इस सरज़मीन से मिलती है and we have not learned those lessons so i know that i'm going on about this and i would like to stop here but there are so many experiences which were very you know disturbing let me put thank that thank you afsha i no, appreciate it thank you very passionate ji to baat we've lost a season uh, we've lost spring but we've added a season humne smog add kar diye pehle barasat ke baad sardi ka mausam aata tha ab barasat ke baad dangi smog ka season quite strange ये पाकिस्तान का मसला नहीं है आपको पता है कि इस वक्त नाइजीरिया में वहाँ तकरीबन 30 या 33 स्टेट्स हैं वहाँ 28 स्टेट्स अंडर फ्लड हैं इस वक्त आज फ्लोरिडा अमेरिका का जो स्टेट है वहाँ तीन हफ्ते पहले एक साइक्लोन गुजरा था तो 30 लाख लोग जो थे वो तकरीबन हफ्ते दो हफ्तों के लिए बिजली के बग़ैर थे चाइना में इस साल आज भी पैंतीस चालीस डिग्री सेंटीग्रेड अक्टूबर के अंदर और चीन की तारीख आप तीन हजार साल लगातार लगा सकते हैं उनके पास एक ही लिखाई है तो वो अपने रिकॉर्ड बड़ी अच्छी तरह रख सकते हैं दिस इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव वहाँ फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई यूरोप में हीट वेव गुजरा था यूरोप में हीट वेव इस साल इतना बुरा था कि फ़्रांस में जो दरिया हैं उनका टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ठंडे नहीं हो सकते थे और उसकी वजह से फ्रांस ने अब एलएनजी खरीदना शुरू कर दिया एल एन जी जो पाकिस्तान भी खरीदने की कोशिश करते है मगर अम हम, हम फ्रांस और मुख्तल यूरोपियन ममालिकटिंग कर रहे हैं ये मौसमी तब्दीली लेवल पे हर जगह हम तबाही देख रहे हैं वर इट सोहेल ने कहा था सारा कि वी आर वेरी वाल मगर बर्बादी तो हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं पाकिस्तान क्यों वालबल है हमें ये वालबलिटी का माने क्या है जी कैन यू हेयर मी थैंक यू फॉर हैविंग मी थैंक यू कि आप सब इतनी सुबह उठे इतवार के रोज़ आई थिंक आई स्पीक ऑन बिहाफ पैनलिस्ट ऑल्सो लेकिन क्लाइमेट चेंज या माहौलिया तब्दीली अब वो मौजू है दैट शुडन जस्ट में क्यूबे का पर्ली या आपकी रातों की नींद भी अब ख़राब करे आई थिंक कि अब आप इसको इतना ज़्यादी लें अपने लिए एक इतनी पर्सनल इसको एक मौजू ब बनाएं कि यू शुड बी थिंकिंग अबाउट इट नॉन स्टॉप आई नो कि आप में से बहुत से लोग जो um, हो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो विच मीन्स के माहौलियाती तब्दीली आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा देंगर यू आर द मोर यू विल बी इम्पेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज दिस ऑल्सो मीन्स के माहौलियाती तब्दीली अब आप आपकी ज़्यादी जंग है तो आपने अपनी आवाज़ उठानी है और आवाज़ उठाने से पहले आपने समझना है कि माहौलिया तब्दीली आपके साथ क्या कर रही है अभी हमने पानी के बारे में बहुत डिटेल में बात की यू हैव एन इंट्रोडक्शन कि क्लाइमेट चेंज क्या है सुहेल साहब ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आपको बताया राफ़े हैज़ टचड अपॉन कि भई सारी दुनिया में इंटरनेशनली क्लाइमेट चेंज के क्या असरात हैं but <clears throat> I'm going to make it narrow for you or personal for you, and I'm going to talk about Pakistan in the context of climate change. So, तो usme vulnerable Pakistan is ya Pakistan is climate change se itna impact hota hai, kyunki ek to hamari and I'm going to simplify it. Um, एक तो हमारी economy हम ऊपर नीचे रहती है और climate change एक वो चीज़ है जो economy पे बहुत जोर डालता है सैलाब आते हैं इकॉनमी तबाह हो जाती है ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं फ्लड आते हैं बारिशें पड़ती हैं कराची रुक जाता है लिटरली वी डोंट सी इट इन लाहौर बट कराची स्टॉप्स आफिया मैडम उधर से आई हैं आप इनसे पूछिएगा बाद में वॉट वॉट हैपन्स इन मानसून इन कराची इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम थोड़ी ही देर है जब तक लाहौर भी इसी तरह बारिशों से अफेक्ट होगा यू हैव टू रेज योर वॉइस बिफोर डैट आपने उससे पहले क्लाइमेट चेंज को अपने लिए एक पर्सनल चीज़ बनाना है सो हमारी वनरेबिलिटी इकानमी से डायरेक्टली लिंक्ड है क्लाइमेट चेंज की वनरेबिलिटी दूसरा आबादी पाकिस्तान में आबादी पे कोई कंट्रोल नहीं है जिस मुल्क की आबादी ज़्यादा है वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का असर या असरा ज़्यादा होंगे सैलाब जिस तरह अब आए हैं जो अ, अब एक स्टडी निकली है जो कहती है कि 75% फाइव परसेंट ऑफ़ द रीज़न ये सैलाब इतने जहरीले हैं इन दर इंटेंसिटी इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज अगर आबादी कम होती या कंट्रोल्ड होती या हुकूमत ने आबादी के ऊपर कोई काम किया होता टू कंट्रोल इट तो कम लोग मुतासर होते इस सैलाब के हम इम्पैक्ट को कंट्रोल कर सकते सो आबादी इज़ इज़ इन पाकिस्तान इज़ एट दिस पॉइंट हमारा जो लास्ट सर्वे था दैट्स अ टू ट्वेंटी मिलियन पीपल फॉर इट फॉर अ कंट्री दैट स्मॉल जिसकी रिसोर्स महदूद हैं 220 मिलियन पीपल जो कि प्रॉब्बली इन रियलिटी अब 250 मिलियन पीपल होंगे इज़ अ लॉट ऑफ पीपल ये जो आप जब किसी इशारे पे खड़े होते हैं और आपने इर्द गिर्द देखते हैं बस ट्रैफिक ही ट्रैफिक है लोग ही लोग हैं ये एक पॉपूलेशन बर्स्ट है बेसिकली सो आबादी हैज़ टू बी कंट्रोल्ड तीसरी चीज़ जो पाकिस्तान के लिए एक नमत होनी चाहिए थी लेकिन वो क्लाइमेट चेंज के असरात में उसका एक बहुत बड़ा हाथ है इस कि हमारी जो टपोग्रफ़ी है या जो हमारी जो जोग्रफ़ी जो 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 है वो बहुत वेरी वेरीड है ग्लेशियर है हमारे पास खूबसूरत पाकिस्तान में नॉर्थ और साउथ पोल के बाद दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट आइस मैस है वी हैव

जिसमें रिवर इंडस आप देखें जिन्होंने कहा दैट्स आर लाइफ लाइक द विटे बारी बैकबोन है हमारे वो मुल्क की um, लेकिन ये दरिया फ्लड करते हैं सो क्लाइमेट चेंज में हालांकि इस साल का फ्लड इनसे नहीं रिलेटेड लेकिन क्लाइमेट चेंज में हैविंग रिवर्स इन अ कंट्री मेक्स अस मोर वनरेबल हमारे पास डेजर्ट्स हैं जब ड्राउट्स आती हैं तो डेजर्ट्स में जो लोग रहते हैं वो अफेक्ट होते हैं इसी तरह हमारे पास समुंदर है सी लेवल राइज इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर क्लाइमेट चेंज होता यह है कि जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो पानी जो है इट स्टोर्स हीट राइट जब पानी व्हेन वाटर स्टोर्स हीट तो इट एक्सपेंड्स um, और बेसिक फिज़िक्स राइट एंड उसमें फिर सी लेवल इज सी वाटर लेवल्स लेवल सी लेवल्स राइज जब पानी की सतह बुलंद होती है तो इट कम्स ऑन टू लैंड और हो ये रहा है कि सिंध और बलूचिस्तान की कोस्टल रीजन्स में अब द सी वाटर हैज़ लिटरली इनक्रोच वो खा गई है ज़मीन हमारा अरेबियन सी ज़मीन खा गई है लोगों की रोज़गारी खा गई है सो वी हैव अ लॉट ऑफ रीजन वाई पाकिस्तान इज़ सो इम्पैक्टेड लेकिन आई एम जस्ट ब्रिंग दिस फुल सर्कल एंड टॉक अबाउट हाउ यू आर ऑल्सो इम्पेक्टेड बिकॉज होता यह हम अपने घरों में रहे, बना ईंटों वाले घरों में रहते हैं बड़े शहरों में रहते हैं एंड वी थिंक स्कूल जाते हैं पढ़ते हैं वी थिंक यू नो क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट टचिंग आस इट नॉट अफेक्टिंग आस पर क्लाइमेट चेंज आपको बड़ी ज़ाती तौर पर इम्पैक्ट कर रहा है um, आपका खाना द फूड यू आर ईटिंग इज़ नो लॉन्गर एज न्यूट्रिश एक एप्पल सेब जो हमारी माँओं ने हमें बहुत कोशिश करके खिलाया वे फ्राम द यू नो मैन वी वर्ली जब वो दस साल पहले उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन थी अब उसमें कम है क्योंकि इर्द गिर्द की फ़िज़ा में कार्बन ज़्यादा है दिस इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल फूड प्रोडक्ट्स फिर फूड इनसिक्योरिटी है अभी आपको मिल रही है गंदम कल नहीं मिलेगी अभी आपको मिल रही है चावल हो सकता है कल ना मिले। ये आप पे इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का हवाई आलूदगी ये स्मोक सीजन जो यू नो इट बिकम्स अ जोक फॉर आस बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू इट इन लाहौर बट इट्स डेंजरस अगर आप वैसे सिगरेट पीते हैं तो मत पिए लेकिन अगर आप नहीं भी पीते तो आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 20 सिगरेट पी रहे हैं दिन के दैट्स डेंजरस अगर आपके छोटे बच्चे हैं बहन भाई हैं हैं नीसीज नेफ्यूज़ हैं उनके लिए ये और भी ज़्यादा डेंजरस है उनकी लंग्स उनकी मेंटल कैपेसिटी इट्स इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ इट आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आपकी अपनी जहनी तोन में अफेक्ट है इसका क्लाइमेट चेंज का aapki school jaane I, 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 climate change affects your rights aapke basic jo hain hakuk. right to education affect right to, to life affect right to health affected these are personal impacts on you if you like cricket lahore is not going to host the test see any test matches because of smog this year that's personal to a lot of us so climate change is affecting you in a lot of ways दैट आप उसके बारे में उस तरह सोचते नहीं हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप प्रिवलेज हैं या आप यू नो बड़े शहरों में रहते हैं कॉलोनीज़ में रहते हैं सोसाइटीज़ में रहते हैं बट दैट्स नॉट ट्रू मालियाती तब्दीली अब आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बहुत ज़रूरी और जहरीला पहलू है एंड जब तक आप इसको एक ज़्यादी चीज़ नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मुल्क माहलियाती तब्ली को नहीं कंट्रोल कर सकता थैंक यू

डेढ़ डिग्री टेम्परेचर पे ये तकरीबन पैंतीस फीसद पिघल जाएंगे और दो डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज पे ये तकरीबन पैंसठ फीसद पिघल जाएंगे और पिघलने का मकत मतलब ये नहीं कि पानी खत्म होगा वहां उन इलाकों में हिंदूकश कारोक्रम हिमालयन माउंटेन रेंजेस में जो लोग रहते हैं उनकी आमदनी उनकी रोजगारी बर्बाद हो जाएगी इज दैट करेक्ट अब पाकिस्तान इज नॉट बिग ग्रीन हाउस गैस सीमेटर हमारी अस्सी साल की तारीख भी नहीं है जो बड़े ममालिक हैं बड़ी इकानमीज़ हैं ग्लोबल नॉर्थ जिसे हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन जो है पिछले डेढ़ दो सौ साल से कोयले और तेल से तरक्की कर रहा है, अमरीका कुछ ऐसा ही कर रहा है, चीन कुछ ऐसा ही कर रहा है, मगर बोझ हम पे आके गिर रहा है इस सूरत हाल में कौन सा या कौन सी एक बैनवामी सिस्टम या कोई मालियाती इंसाफ पाकिस्तान कहाँ से ले सकता है कहाँ जा सकते हैं और अगर हम ऐसा इंसाफ मांगें क्या ये दुरुस्त है कि उसी वक्त हम साथ साथ सिंध के अंदर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स भी लगाते रहें हम साथ साथ हाउसिंग स्कीम्स पे सब्सिडीज़ देते रहें जब हमें पता है कि उनसे ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होंगी, हम ऐसी इंसाफ की आवाज़ उठा सकते हैं जब हम खुद ये हरकतें कर रहे होंट यू सुहेल जी थैंक यू वेरी मच राफेब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ओके दैट्स ट्रू कि द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग रिसीडिंग बहुत तरह के हैं कि बास ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान में के में जो कि उनकी हाइट बढ़ रही है बट मेजोरिटी की डिक्रीज हो रही है एंड इफ द टेम्परेचर चेंजेस वहाँ पर ये मसाइल जिस तरह से राफेब मैंशन आएंगे ओके नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट लाइक द ग्लोबल कि नो डाउट अमेरिका बहुत बड़ा कोल का एडवोकेट रहा है और अभी भी है uh, कॉप में यू रिमेंबर इन द पास्ट गवर्नमेंट ट्रंप ही बैक डाउट उसने कहा जी ये सारा ड्रामाबाजी है कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है बट अभी रिसेंटली फ्लोरिडा में जिस तरह राफे ने बताया है नाम से एक वो साइक्लोन आया और हिट बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुई कैलिफोर्निया में हर साल आग लगती है डेथ वैली 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आफिया ने बताया थैंक गॉड वहाँ पे आग नहीं लगी हमारी घाड़ू चांद में बट वहाँ ये है वहाँ पे दैट्स अफेक्ट और 2010 में जब पाकिस्तान में फ्लड आया एट द सेम टाइम रशिया के अंदर फायर आउटब्रेक था देखिए कितना नेबरिंग कंट्री है बट वो एक वाइड बना पाकिस्तान के अंदर एयर के डायरेक्शन चेंज यू एंड इट हैपन सो जी ए जी के ऊपर अगर बात करें uh, this is something which is actually unfortunately i am also working with the big business champs here in pakistan their supply chain all the big brands suppliers and the different sector this is the dilemma developing countries who push the reason hamare major manufacturing sector unka footprint is here. if i talk about the, the carbon footprint the grey water footprint और फैंसी प्रोडक्ट वहां पे शेल्स में लगा होता है यूरोप की मार्केट्स में अमेरिका के अंदर और फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान को जी ये कंप्लाई करो एन्वायरमेंट कंप्लाई करो तुम लोग जी जी मीटर हो तुम लोग कार्बन मीटर हो एटसेट्रा ऑल आवर कॉन्ट्रीब्यूशन इज लेस एक्चुअली देर हैज बिन अ डिसकनेक्टिविटी बिटवीन द द गवर्नमेंट द प्राइवेट सेक्टर एंड समाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज वी आर नॉट टेकिंग ऑन बोर्ड द प्राइवेट सेक्टर के भाई आओ तुम भी इसमें आगे कॉन्ट्रीब्यूट करो बिकॉज दे अगर हम जी ए की बात करते हैं आप और हम तो रूटीन का जी एस जी मिशन हमारा मैक्सिमम गाड़ियों का फ्यूल या घरों में बर्निंग हो रही होगी बट द प्राइवेट सेक्टर उनको किस तरह से हम ऑन बोर्ड ले सकते हैं इसके अंदर बिकॉज क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2012 में बनी वाटर पॉलिसी अभी बनी सो so उनको किस तरह से ऑन बोर्ड ले कर किया जा सकता है एंड दिस इज समिंग विच इज़ एक्चुअली अ लॉबिंग एट एट द कंट्री लेवल विद अप्रोच एंड देन शाउट एट दर्ल्ड एट दैट लेवल कि भाई हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ये है आप लोग भी अगर इमिट करते हो वी आर यू नो वी आर कंसिडर्ड एज रिस्पॉन्सिबल विच वी आर नॉट तो उसके ऊपर अभी जिस तरह से दॉपर्पज वॉज जो ये बनी uh, ये अभी डिफरेंट ट्रिपल सी के अंडर उसमें बेसिकली यही डिस्कशन थी कि ठीक है जी डिवेलपिंग कंट्रीज को डिफरेंट किस्म के इंसेंटिव दिए जाए बट इज इट इनफ बिकॉज इंसेंटिव देना इज़ जस्ट लाइक कि आप किसी को थोड़ी सी डोनेशन दे रहे हैं वही एग्जैक्टली अप्रोच कि आप उनको डोनेशन दे रहे हैं फिर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी एक तो है हमारी इंटरनल अलाइनमेंट जो मैंने बोला कि हमें प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को मिल के टू प्रमोट द नेचर बेस सोल्यूशन ये मैंने आगे गायना थ्योरी मैंशन uh, की थी प्रजेंटेशन में उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में कोई डिवेलपमेंट नहीं भी ना होती दुनिया फिर भी रहेगी और इस शायद बेहतर चलेगी प्री इंडस्ट्रियालाइजेशन में उस वक्त भी लोग रहते थे येस द चैलेंजेस वर वेर लेकिन मोर ऑर्गेनिक जिस तरह से सारा ने बताया कि देर वॉज अ वर्स के जी एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर वे अब एप्पल खाएं तो आप बीमार हो जाते हैं दैट्स अ ट्रू अब उसमें किस तरह से है वी आर कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल वी नीड टू कम अप लॉबी इंटरनली फर्स्ट जी हमारी प्रायोरिटीज क्या है नेचर बेस्ड सोल्यूशंस के हम खुद इस चीज़ को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं और कैसे हमें अपना फुटप्रिंट रिड्यूस करना सेकेंड एट द ग्लोबल लेवल इफ अ कंट्री कोई भी कंट्री है इफ दे कम अप विद विद वन कॉमन वॉइस द आई बिलीव द ग्लोबल हैज टू टू लिसन एंड दे बाय बट दे हैव टू कंसिडर इट इन अ वे कि ठीक है जी ये कोई मुँह लगा एथोपिया है अभी साउथ अफ्रीका में पानी खत्म हो गया था एवरीबॉडी वाज शाउटिंग के यार ये पानी दो साल पहले की बात है कि ये तो जनाब ये डे ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं व्हाट हैपन जी ठीक है जी उन्होंने कहा ठीक है जी हम अपनी पॉलिसीज बनाते हैं समथिंग लाइक दैट अफ्रीका इज़ हैविंग अ बिग सप्लाई चेन फॉर द यूरोप कोई भी आप उठा लें उसमें एंड और द सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान और अगर हम यहाँ पे कहेंगे भाई अगर आप हमें इसमें कॉपरेट करेंगे वेल एंड गुड अदरवाइज़ यू ऑल विल बी इन ट्रबल ओके आई एम गोन टू टॉक अप थ्री डिफरेंट थिंगस और थोड़ी सी डाइवर्जेंस है मेरी और आपकी ओपिनियन में और ये हम आपस में डिस्कस भी करते रहते हैं एक तो द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान एज एन अंडर डिवेल्प आई एम नॉट गट ए डेवलपिंग कंट्री इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दियो ग्लोबल नॉर्थ हम अभी भी अंडर डिवेलप्ड हैं क्योंकि हमें डेवलपमेंट नज़र आती है अपने शहरों में ये एक अर्बन फिनोमिनल है अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी ऑफ़ आर कंट्री इज स्टिल यू नो आप जितने मील चले जाएँ आप उतने प्रॉबेबली साल पीछे जा रहे होते हैं और कराची से भी कराची जो आपका सबसे बड़ा सबसे डेवलप्ड शहर है उससे आप डेढ़ घंटे पे चले जाएं तो लगता है आप 19वीं सदी में चले गए हैं जहाँ पे ऐसे इलाके हैं वहाँ पे जिस तरह से कोई ना उनके पास बिजली है ना पानी है कुछ नहीं है एजुकेशन नहीं है हेल्थ नहीं है बट आई स्टार्ट यहाँ पे जस्टिस की बात हो रही है ना तो हम इट्स नाट दो सिल्वर बुलेट टू गेट दैट जस्टिस हम मुख्तलफ कॉन्टेक्स में बात कर रहे हैं एक हमारी ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की डिबेट है जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे जैसे सिर्फ हम नहीं हमारे जैसे जो ममालिक हैं उनके साथ जो रिचर कंट्रीज़ हैं वो एक्चुअली वो क्लाइमेट चेंज उन्होंने ट्रिगर किया हमने नहीं किया पाकिस्तान का तो अभी भी वन परसेंट तक नहीं है मिशन और उसके बावजूद हम वालबलिटी स्केल एक हर साल एक वालबलिटी स्केल होता है जिसके मुख्तलिफ उसके मेट्रिक्स होते हैं जिसकी बेसिस पे वो कैलकुलेट होता है हम नंबर पाँच पे हैं तो ये सबसे बड़ी इनजस्टिस तो ये है कि एक मुल्क जो कि इतनी कम एमिशन करता है वो नंबर पाँच पे बैठा हुआ है वल्नबिलिटी में लेकिन जब उसे अनपैक आप करें तो वो वल्नबिलिटी स्केल जो है वो बहुत सी चीज़ों को कॉन्टेक्स में लेता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्योरली नेचुरल फैक्टर्स नहीं होते उसमें आपकी अपनी तैयारी किया है आपने खुद बताया हमारे यहाँ गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं है हमारे यहाँ जो बिल्ट इन्वायरमेंट है वो इस किस्म की है कि वो बचाए इसके कि हमें कोई बेहतरी दे हमें मुश्किल में डाल देती है हम ऐसी जगहों पे हम बना डालते हैं स्ट्रक्चर के उससे नुकसान ज़्यादा होता है फ़ायदा कम होता है सो so, हमारी इंटरनल इनजस्टिस भी हैं एंड वी नीड टू एक्चुअली एड्रेस दोज आल्सो एक बिल्कुल बीच में जो मैं एक चीज़ थ्रो करना चाहती हूँ वो ये कि जब हम इस इनजस्टिस की बात कर रहे हैं और आपने ग्लोबल सप्लाई चेन की बात की यूक्रेन एक ब्लिप है ऑन दी अर्थ उसने किस तरीके से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की है और वो फूड चेन भी प्लस योर एनर्जी उस चेन को उसने डिस्ट्रप्ट किया है जिसकी वजह से हमारे जैसे ममालिक भी मुश्किल है अफ्रीका में फूड इनसिक्योरिटी ऑलरेडी आ चुकी हुई है सिर्फ यूक्रेनियन वॉर से वरना आप सोचें कहाँ यूक्रेन है और कहाँ अफ्रीकी ममालिक हैं एंड आई हैव मैं पाकिस्तानी हूँ पक्की पक्की पाकिस्तानी हूँ ठीक है कभी इसलिए उस हवाले से मेरे दिमाग में एक कंस्पिरेसी थियोरी पक रही है हमारा फेवरेट एक uh, पास टाइम है ना टू तो बिल्ड कंस्पिरेसी थियोरी वो ये कि पेरिस एग्रीमेंट में जो ग्लोबल नॉर्थ या चलें बाकी ग्लोबल नॉर्थ को छोड़ दीजिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने लिए रोल बैक के टारगेट्स दिए थे एनर्जी फॉसिल फ्यूल के कि वी विल रोल दिस बैक अंटिल दैन एनिंग सर्दियां शुरू होने वाली हैं आपके ख्याल में पोटिन उनको गैस देगा किस कीमत पर देगा घुटने टेका के क्या वो घुटने टेकेंगे उनके लिए वो उनकी वो अना उनकी वो जो पोलिटिकल अना है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगी so if they do not get that gas from Putin, and why would he give it anyway? What's going to happen? They're going to start digging up their coal again. और coal जब वो इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो उसका fallout हमारे जैसे मुमलिक पे। so this is an inequity, injustice which I'm sort of you know just theorising about. एक ये चीज़ है। अच्छा दूसरी कुछ harsh realities हैं। नकवी साहब ने जो सेक्टर्स उसमें लिखे थे उनके सबका एक कोई ओवर आर्चिंग सेक्टर है लाइवलीहुड इकोनमी यस हम थर कोल निकाल रहे हैं क्यों निकाल रहे हैं क्या हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज है कि हम एलएनजी जिस कीमत पे भी स्पॉट uh, ट्रेडिंग हो हमने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे तो लोगों को जेल में भी डाल दिया क्योंकि समझ ही नहीं आई कि ये उसका फायदा होता है बट एनी वेदर एन सब्जेक्ट है टोटली totally. लेकिन अब हमें एल लेने के लिए पैसे नहीं हैं हम बाहर से तेल नहीं ले सकते हम बाहर से गैस नहीं मंगवा सकते तो क्या करना है ऑल्टरनेट क्या है अब हम सब इंक्लूडिंग मी एक एक दो दो घंटे की बिजली जाती है आप सब लोग वापडा को गालियां देते हैं हम के इलेक्ट्रिक को गालियां देते हैं हम कहते हैं इसको जी वो वा इसको वा वो टेक ओवर कर लें प्राइवेटाइज नहीं करें आपका तो प्राइवेटाइज भी नहीं है आपके तो वैसे ही एक गवर्नमेंट का सेक्टर है जो आपको बट वी ऑल आर यूज टू ए सर्टन लाइफ स्टाइल इधर एडमिटेड दैट वी आर वी विल लिव विदाउट इट हम छः घंटे बिजली के बगैर गुजारा कर लेंगे सो इंडिजिनस रिसोर्स सस्ती रिसोर्स लेकिन उसके अलावा एक और लफ्ज भी है हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं हम वैसे नेशनल सिक्योरिटी की बहुत बात करते हैं लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी वो हम अप थर अब उसमें एक जो मेरा एक सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट जिसको मैं जस्टिफाई आई नो आई एम कॉल्ड यू नो एन एन एडवोकेट फॉर ग्रीन वॉशिंग जैसे आप बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के साथ बट आई फील दैट अगर आप उनको बाहर रखेंगे किसी भी कॉन्वर्सेशन से तो वो जो डैमेज करते जा रहे हैं वो करते चले जाएंगे द प्रोसेसिस दैट दे यूज आर ह्यूमन मेड प्रोसेस वो नेचुरल प्रोसेसेस से काम नहीं कर रहे वो प्रोसेसेस बेहतर हो सकते हैं वो लेस डैमेजिंग हो सकते हैं अभी तक सब के सब मैं पूरे दरियाए सिंध का सफ़र किया है ना कोई ऐसा शहर छोटे से छोटा शहर अटक से हमने डाला था अपना राफ्ट छोटे से छोटे से शहर से लेकर नीचे सखर और रोड़ी के हर एक का फजला दरिया में जा रहा है बदरा वेज टू प्रोसेस ग्रे वाटर जैसे आप कर रहे हैं हमारी हर इंडस्ट्री को करना चाहिए so, जब तक हमारे वो प्रोसेसिज सही नहीं होंगे जब तक हमारे इन्वायरमेंटल कंप्लाइंसेज हम लॉ की बात कर रहे हैं वी गो टू लॉयर सिटिंग ओवर ओवेर दे नो इन द नाइंटीज वी हैड आर नेशनल इन्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वी हैव एन वेरी

थर के कोल्स पे बात अगर हो रही है तो हमने अपनी एनडीसी सबमिट की हुई है हमने कहा है कि हम तब तक निकालेंगे इस ये ट्रजेक्ट्री हमारी डेवलपमेंट की होगी उसके बाद हम बंद कर देंगे सो दूसरे मुल्कों ने जो कमिटमेंट्स की थी उन्होंने तो पिछले पेरिस कब हुआ था तीन साल पहले चार साल पहले तो चार साल में उन्होंने रोल बैक कर दिया हम तो अभी उस प्रोजेक्ट पे चलना भी नहीं शुरू हुए वी हैव ओनली टू कोल पावर प्लांट्स इन थर राइट नाउ जस्ट एंड बाय द वे वहाँ के 11 प्रोजेक्टेड थे कि 11 प्लांट्स बनेंगे गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अभी और कोई प्लांट नहीं बनेगा और ये थरपारकर इज़ अ वेरी लार्ज डिस्ट्रिक्ट ये उसके लैंड एरिया के वन परसेंट पे हैं दे उनकी नॉक्स एंड सॉक्स जो है वो कैप्चर हो रही है इज एब्सोलूटली नो इमेजन तो मसला ये है कि जो लोग वहाँ जाके अगर देखें तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से कोई प्रोसेस बन रहा है जब हमारे यहाँ इस चीज़ पे लिखा जाता है और मैंने दो तीन यहाँ के रिसालों के एडिटर्स को भी कॉशन किया था कि दे शो द इमेजरी ऑफ दो स्मोक ब्लैक स्मोक बिलोइंग प्लांट्स इंडिया में वो थे पचास साल से वो थे

Especially for bringing in जी आई थिंक द कोस्चन इसमें बहुत से पहलू हैं इस सवाल के सवाल बेसिकली ये है कि अगर पाकिस्तान पर क्लाइमेट चेंज के इम्फेक्ट्स आ रहे हैं या असरात हो रहे हैं तो इंटरनेशनली हमें उसके लिए पैसे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने uh, कि ग्रीन हाउस गैस ए कम है और हमने क्लाइमेट चेंज को ग्लोबली ज़्यादा नहीं कॉन्ट्रीब्यूट किया दैट्स द क्वेश्चन दिस इज़ अ क्वेश्चन जिसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है क्योंकि सैलाब आए हैं और पाकिस्तान तबाह हुआ है हालांकि क्लाइमेट चेंज में हमारा हाथ या रोल ज़रा महदूद है आई होप दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट यू विल थिंक अबाउट अ लॉट एंड रीड आउट रीड अप ऑन क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है आपको बड़े अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिले हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जरा सिंपल है पेरिस एग्रीमेंट का जिक्र आया है बार बार लेट मी क्लेरिफाई दैट फॉर यू प्लीज़ वो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि ग्लोबली एक अम्ब्रेला इंस्ट्रूमेंट है सोचें इट बेसिकली कवर्स क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनली उसमें ऑलमोस्ट हर मुल्क जो है आप दुनिया का उसका एक पार्टी है या सिग्नेटरी है सो पेरिस एग्रीमेंट टेल्स यू के और आस्ट कंट्रीज़ के भाई वो बताएं कि वो क्या कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के uh, जरिए से पाकिस्तान भी पेरिस एग्रीमेंट का सिग्नेटरी या पार्टी है और हमने भी 2021 अक्टूबर में अपने प्लेज दूसरे प्लेज प्लेज मतलब हमने अपने प्रामिसज़ किए हैं कि भाई इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स हम ये करना चाहते हैं फॉर क्लाइमेट चेंज द रीज़न आई एम मैंशनिंग दिस पेरिस आई एम गोइंग बैक टू इट इज़ बिकॉज पैरिस अग्रीमेंट के अंदर जो एक मेकनिज़म है फाइनेसिस का उसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड भी आता है एंड पेरिस अग्रीमेंट और उससे जो पिछले लीगल इंस्ट्रूमेंट्स थे या लीगल ट्रीटीज थी उस उनमें एक अंडरस्टैंडिंग है और उनमें क्लॉज हैं इन विच द ग्लोबल नॉर्थ या जो डेवलप्ड ममालिक हैं वो um, Developing agricultural economies, they are required to in a way. This is more of a moral obligation on them. It's not a legal obligation per se. But the idea is that they are to climate change. So, Pakistan is already receiving money. Let me put this out there. We are receiving money under the Green Climate Fund. उन पैसों का सही इस्तेमाल इज़ द राइट क्वेश्चन इस वक्त ज़ोर और शोर करना और ये मेरा एक ज़्यादी ओपिनियन है स्ट्रिक्टली ज़्यादा ओपिनियन ज़ोर शोर डालना कि uh, हमें रेपरेशन दिए जाएं या हमारे लिए और पैसे भेजे जाएं, मेरे मेरे लिहाज से इज़ नॉट द राइट स्टांस बिकॉज हमें ग्रीन क्लाइमेट फंड हमें और, तर, और तरीक़ों से और चैनल से काफ़ी क्लाइमेट फाइनेंस आता है वाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम उनको सही तरह इस्तेमाल करें और कि हम अपने मुल्क को इस वक्त बेहतर करें देट सेड आई डू वांट टू पुट इन सम पॉजिटिविटी इन टू दिस स्टॉक एंड आई डो वॉन्ट टू से पाकिस्तान कुछ चीज़ें कर रहा है फॉर क्लाइमेट चेंज मैं भी पक्की पक्की पाकिस्तानी हूँ एंड सो so आई डू वांट टू सॉफ़ um, sort of, लेट मेक यू फील के क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है आपका ज्याति इशू है ये एक नेशनल इशू है ये एक इंटरनेशनल इशू है ज्याति लेवल पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप क्या करें नेशनल लेवल पे हकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हकूमत को प्रेशर हमने करना है हकूत इस वक्त प्लेज कर रहा है कि वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन्स कम करेगा बाय 2030 पाकिस्तान कह रहा है वो 50 परसेंट ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करेगा 15 फीसद अपने पैसों से 35 परसेंट बाहर के पैसों से हम कह रहे हैं कि 2030 तक 30 परसेंट गाड़ियाँ जो नई गाड़ियाँ होंगी वो इलेक्ट्रिक वहीकल्स होंगी हम कह रहे हैं कि हम 60 परसेंट बिजली 2030, 60 परसेंट इज़ अ ह्यूज, इट्स अ बिग बिग प्लेज इट्स अ बिग प्रॉमिस, एंड इफ वी गेट थ्रू टू इट इफ वी कैन इफ वी कैन कीप आवर वर्ड ऑन इट ये एक बहुत बड़ी बात है फॉर फोरास एंड इनशा वी विल विद विल्स आर अटैम्प्ट हम रीन्यूएबल एनर्जी से सिक्सटी फीसद अपनी बिजली जनरेट करना चाहते हैं रीनूएबल एनर्जी सोलर हाइड्रोविंड और थोड़े से बेसिकली आइडिया इसके कोल से हम दूर हटेंगे हम एग्रीकल्चरल एडवांसेस लाना चाहते हैं वी आर ट्राइंग हार्ड इसमें थोड़े से रोड ब्लॉक्स आते हैं मुश्किल आती हैं आगाही कम है एजुकेशन कम है स्मॉल फार्मर्स के पास जराए कम है तो um, ऐसे जो यू नो इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूसिंग न्यू मेथड्स ये एक स्लो प्रोसेस होता है फॉर कंट्रीज लाइक आस जिनकी रिसोर्स महदूद हैं हम आल्सो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे बात करना चाहते हैं दैट इज़ समथिंग जो हमें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए एक्चुअली uh, उसके प्लेज प्रामिसज हमारे कम हैं uh, पाकिस्तान की तरफ से वी शुड फोकस मोर ऑन दोज़ Um, इसके अलावा हमारी और भी दो तीन चीज़ें हम और कोल नहीं इंपोर्ट करेंगे दैट्स वी हैव सेड हम ट्रीज़ लगाएंगे हम अपने uh, रिवर्स को बचाएंगे वी आर गोइंग टू ट्राई एंड कंट्रोल एयर पोलूशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है फ्यूल क्वालिटी पेट्रोल की क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट की बात की गई है तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है द आइडिया इज़ कि हम um, इस मोमेंटम को तोड़े नहीं फजूल चीज़ों के पीछे ना लगें सियासी चीज़ों के पीछे ना लगें और जो भी पार्टी हुकूमत में आए हमारा एम यह होना चाहिए कि हम उनको प्रेशराइज करते रहें कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़रूरी है इकॉनमी और क्लाइमेट चेंज एक चीज़ है हेल्थ और क्लाइमेट चेंज एक चीज़ है एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज एक चीज़ है दैट शुड बी आर प्रायोरिटी एंड सो बी पॉजिटिव अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड अबाउट द चेंज यू कैन ब्रिंग इन कंट्रोलिंग इट <laughs> Thank you very much.